हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th मैथ्स का। तो बहुत बच्चों के डिमांड पे हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है। आप लोग जानते हैं जिज्ञासा क्लासेस चैनल आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th मैथ्स और साइंस की सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कराता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। और हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और आपके इंस्टाग्राम चैनल दैट इज जिज्ञासा क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर तरफ से सारे क्वेश्चंस और सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाएं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है बच्चे लोग, चलिए देखते हैं क्या है आपके चैप्टर में। सो बच्चे लोग, लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होती है। एक आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? बच्चों, मैंने आपको लाइन सेगमेंट बना के दिखा रखी है। एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन का छोटा सा पोर्शन, एक लाइन का छोटा सा पोर्शन या पार्ट को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसे हमने ए ए और बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज लाइन सेगमेंट। इसके बारे में पढ़ना है कि एक रे क्या होती है। एक रे एक ऐसी लाइन होती है जो जिसका एक तो फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? एक रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक रे। ठीक है। एक लाइन क्या होती है? एक लाइन देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो इनडेफिनेटली दोनों तरफ आपकी बढ़ती रहेगी। एक लाइन क्या है? एक ज्योमेट्रिकल लाइन है यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो इनडेफिनेटली दोनों तरफ आपका बढ़ता जाएगा, दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन आपकी बढ़ती जाएगी, दैट इज कॉल्ड लाइन। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉट आर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सारे पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं, जो सारे पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अदरवाइज वो बाकी सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है और जो लाइन पर लाई नहीं करते हैं उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। बोली बात के लिए समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चे लोग हमसे पूछा जाता है कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स वो होते हैं जो आपके दो रे से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट और वर्टेक्स। जो सेम इनिशियल पॉइंट और वर्टेक्स से दो लाइंस निकलती हैं या दो रेज निकलती हैं वो क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं। ठीक है। बट उनका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है, उनका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे आपको टू रेज दिखाई दे रही हैं, ओ ए एंड ओ बी, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है ओ, तो वो क्या बनाएंगे? एक एंगल बनाएंगे जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए ओ बी से या बी ओ ए से। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें तो वो उसे एंगल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स के आपके एंगल होते हैं? ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे अपनी छोटी क्लासेस में और मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 और 90 के बीच में होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 और 180 के बीच में होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो आपका 180 और 360 के बीच में होता है, जो 180 और 360 के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? जो पूरा का पूरा आपका 360 का होता है वो आपका कंप्लीट एंगल होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 90 के बीच में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 और 180 के बीच में होता है। राइट एंगल कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 और 360 के बीच में होता है और कंप्लीट एंगल आपका 360 के बीच में होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चे लोग? गुड लक, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या पूछा आपसे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, देखते हैं आगे क्या है।
इसके बाद बच्चे लोग कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं आपके, कौन कौन से पेयर्स हैं। सबसे पहले पूछा गया आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिन दो एंगल का सम आपका 180 होगा वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल होते हैं बराबर बराबर वाले। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, बराबर बराबर वाले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चे लोग, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, कॉमन आर्म्स होते हैं, तो उन्हें एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, ए ओ सी और बी ओ सी। तो ए ओ सी और बी ओ सी आपके कौन से एंगल होंगे, ए ओ सी और बी ओ सी आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। ए ओ सी और बी ओ सी आपके कौन से एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स। बोलिए बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद बच्चे लोग आपसे पूछा जाएगा लीनियर पेयर क्या होता है। ये लीनियर पेयर क्या होता है, दो दो एंगल्स आपके जो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर उनका सम 180 हो रहा है, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो वो आपका लीनियर पेयर बनाएगा। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो रहा है तो वो क्या, कौन सा एंगल बनाएगा, वो आपका लीनियर पेयर बनाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ए ओ सी और बी ओ सी बराबर 180 हो रहा है, तो ये आपका क्या बनाएगा बच्चे लोग, ये आपका लीनियर पेयर बनाएगा। बोलिए बात क्लियर है आप लोगों को, तो आगे चलते हैं। नाउ आगे आपसे बोला जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स पे जो आपके एंगल होते हैं, देखो ये जो अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कौन से होंगे, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको बता के बना के दिखाए हैं, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए ओ सी और बी ओ डी आपस में इक्वल होंगे और ए ओ डी सी ओ डी आपस सी ओ बी आपस में इक्वल होंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलिए आप लोग कर पाएंगे, तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब क्या है कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट किसी एंगल को दो इक्वल एंगल में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई एक रे है वो किसी एंगल को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोला जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एओसी और बीओसी, एओसी और बीओसी आपके दो एंगल्स हैं, एओसी और बीओसी आपके दो एंगल्स हैं, तो वो आपको हाफ ऑफ एंगल में डिवाइड कर देगा। यानी कि एओबी जो एंगल है वो आपके एओसी और बीओसी में डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों बराबर किसके होंगे, हाफ ऑफ एओबी के। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि दो एंगल आपके इक्वली हाफ ऑफ में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज आपकी ट्राइंगल्स की भी मैं इसी चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, एक बाउंडेड फिगर है जो तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनती है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। एक क्लोज फिगर है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसे, ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आता है ट्राइंगल क्या होता है। एक क्लोज फिगर होती है जो तीन साइड से, या बोल सकते हैं तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, उसे ट्राइंगल बोलते हैं। बोलिए बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में 9th 10th में, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कि अगर एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर मैं सम कर लूँ तो वो कितना बराबर आता है, तो वो आपका 180 बराबर आता है। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कर लूँ तो वो कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा। इसके बाद आती है बच्चों आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बच्चों ये बहुत खास है आप लोगों के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि सपोज करिए आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, तो ये जो दो अंदर वाले एंगल का सम है एंगल ए और एंगल बी, ये जो दो आपके एंगल का सम है एंगल ए प्लस एंगल बी, तो वो आपके इस भार वाले एंगल, तीसरी साइड के भार वाले एंगल के इक्वल होगा।
यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के इक्वल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के इक्वल है तो उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो दो लाइन आपके इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जो दो लाइन आपके इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलिए, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, या आप इसे दूसरे शब्दों में पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हैं। दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स को क्या बोलते हैं आप? पैरेलल लाइन्स। दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चे लोग ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या चीज है? ट्रांसवर्सल देखो आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, जो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्सल। बोली, बात क्लियर हो रही है? अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए, जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो दो लाइन को कट करती हुई जा रही है तो वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल कहलाई जाएगी। बोली, बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कुछ एंगल्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, वो एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। हमारे साथ पढ़ेंगे तो वो एंगल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और चुटकी बजाते ही आप याद कर लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपकी एम लाइन एन के क्या है? पैरेलल है, और एल आपकी है ट्रांसवर्सल। क्या है एल आपकी? ट्रांसवर्सल। बोलिए, सही है? चलिए, तो इनमें कौन कौन से एंगल्स आप लोगों को पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से एंगल पढ़ने? कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो सेम साइड पे होते हैं वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे एंगल वन, एंगल फाइव, एंगल फोर, एंगल एट। ठीक है, एंगल टू, एंगल फाइव, एंगल टू और ये ऊपर वाला एंगल सिक्स। ठीक है, और एंगल थ्री और एंगल सेवन। तो ये सारे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम फेस पे होते हैं। बोली, बात समझ में आ रही है? आगे नीचे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो जेड पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? जेड पे। तो मेरे साथ जेड बना के देखिए, ये वाला दिस दिस, तो यानी कि फोर और सिक्स। तो जो जेड पे एंगल बनते हैं वो एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। थ्री और फाइव, तो इधर से जेड बनाएंगे तो कौन कैसे जेड बनेगा आपका? ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो जेड के अंदर बनते हैं? वो एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो जैसे आपका फोर और सिक्स और थ्री और फाइव। इसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर वाले एंगल। तो एंगल बाहर बाहर वाले, एंगल वन, एंगल सेवन और आपका एंगल टू और एंगल एट। तो बार बार वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल वन और एंगल सेवन, एंगल टू और एंगल एट। बोलिए, बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? इसके बाद आते हैं को इंटीरियर और एलाइड एंगल्स। कौन से एंगल? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? जो आपके दो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स होते हैं वो होते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल फोर और एंगल फाइव, ये आपके को इंटीरियर एंगल हैं। एंगल थ्री और एंगल सिक्स, तो दो पैरेलल लाइन के जो अंदर के एंगल्स होते हैं वो आपके को इंटीरियर और एलाइड एंगल्स होते हैं। ठीक है, बोली, बात समझ में आ रही है? आगे चलें? पक्का? चलिए चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सम ऑफ ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यानी कि जो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। टेस्ट पे याद कर लेना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अंदर वाले दोनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है बच्चे लोग? उनका सम 180 डिग्री होता है। जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ऐसे ही अगर आप पीछे वाली फिगर देखें तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 होगा, और एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी कितना होगा? 180 होगा। बोली, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो अच्छी बात है, वरना दोबारा समझा देंगे, टेंशन की क्या बात है, सर आपके साथ हैं। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। अब जैसे आपको दिखाई दे रही है बच्चे लोग, देखो तीन पैरेलल लाइन है, एल एम एन, ये आपकी टी हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, एम पैरेलल है एन के और एम पैरेलल है एल के। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हैं।
अब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो बच्चे लोग तीसरी भी तो पैरेलल होगी, बताइए हाँ या ना। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और तीसरी पहले वाले के पैरेलल है तो दूसरी की भी तो पैरेलल होगी, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे एम पैरेलल थी एल के और एन पैरेलल थी एल के, तो एम और एन भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, पैरेलल हो जाएंगी। बोली बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो बच्चे लोग, ये आपका इंट्रोडक्शन था कौन से चैप्टर का, लाइंस एंड एंगल्स का। तो होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जिज्ञासा क्लासेस की इंजीनियर सागर बंसल सर की यही यही कोशिश रहती है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए जाएं, चाहे आप 9th क्लास के बच्चे हो, 10th के 11th के या 12th के मैथ्स और साइंस में। तो अच्छे से समझिए, बढ़िया समझिए, बेटर समझिए, बार बार समझिए, पर अपनी क्लास को अच्छे से मजबूत से पकड़ बना लीजिए। अगर आप जिज्ञासा क्लासेस में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और आपके टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। जिज्ञासा क्लासेस आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जल्दी से सारे इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, मुझे डायरेक्ट जानते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों तक इसकी पीडीएफ पहुँच जाएगी। जल्दी स्टार्ट करेंगे हम इस एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है बच्चे लोग। ऑल द बेस्ट।